हेलो इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रवीश। और आज सुबह की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और कपकपाती ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज सुबह की, दिल्ली और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप लोगों पर हावी होता जा रहा है। घना कोहरा और कपकपाती ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की मुसीबत बढ़ रही है, विजिबिलिटी सड़कों पर कम हो गई है। ठंड को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह घने कोहरे ने, लो विजिबिलिटी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो शीतलहर का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा कोहरा जो है वो लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। लो विजिबिलिटी से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान है। और आज मंडे है, वर्किंग डे है, ऐसे में लोगों को ऑफिस भी जाना है। लो विजिबिलिटी, कोहरा लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज सुबह की, हेलो इंडिया में घना कोहरा और कपकपाती ठंड से लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। ठंड को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही यूपी, बिहार, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। और सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ाता है कोहरा। और अगर आज की बात की जाए, यानी कि मंडे की बात की जाए, तो आज घना कोहरा जो है वो सुबह से ही लगा हुआ है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 जनवरी तक ठंड में कमी का अनुमान है, ये IMD का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल तो मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन 10 जनवरी तक ये जो है इसके बाद यानी कि ठंड में थोड़ी कमी आएगी। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप यहां पे देखने को मिल रहा है, शीतलहर से लोगों को जूझना पड़ रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मौसम जो है वो लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ठंड को लेकर दिल्ली, पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यूपी, बिहार, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा की बात की जाए तो वहां भी स्कूल्स बंद हैं। सर्दी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल्स। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मदन मोहन हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, जो आपने तस्वीरें देखी आज दिल्ली NCR की, घना कोहरा छाया हुआ था, वाराणसी के हालात क्या है, क्या वहां भी लोगों को घने कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है? से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से कहा जाए बर्फीली हवा जो बह रही है, उसका असर जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, वाराणसी में जो है घना कोहरा छाया हुआ है। कल की अगर हम बात करें तो 11 बजे के बाद तक जो है ना कोहरा छाया हुआ था। आज सुबह से ही कहा जाए तो कोहरे की चपेट में पूरा वाराणसी है, और जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोग जो है घर में जो है दुबके पड़े हुए हैं, लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें कि आज जो है सोमवार का दिन है, और सोमवार को जो है लोग जो है अपने दफ्तर को जाते हैं, ऑफिस को जाते हैं, सुबह में अगर हम बात करते हैं जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो सुबह में ही घर से निकलते हैं, और उनको जो है कहा जाए तो अपने व्यवसाय को लेकर के जो है उसमें होता है लोग सब्जी वाले जो सुबह सुबह जो है 4-3 बजे घर से अपने निकलते हैं। लेकिन इतना ज्यादा कोहरा है और ठंड काफी ज्यादा है, जिसको लेकर के जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो 14 जनवरी तक जो है कक्षा 8 तक के स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं, वहीं जो है इंटर तक के 10 तारीख तक के जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बात इसमें जो है जिस तरह से बूढ़े और बच्चे को है काफी परेशानी इसमें होती है, और खास करके जिस तरह से अभी ठंड है, ठिठुरन है, लोग जो है अलाउड जगह जगह पे जला करके जो है बैठे हुए हैं। मदन, अगर हम आपके पीछे की तस्वीरें भी देखें तो वो पीछे की तस्वीरें भी धुंधली हैं, यानी कि जहां पर आप खड़े हैं वहां पे भी घना कोहरा छाया हुआ है। अगर आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो काफी घना कोहरा उधर भी नजर आ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जहां से मैं अभी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा जो है घना कोहरा छाया हुआ है, और लगातार अगर हम बात करें कि इस घने कोहरे में लोगों को जो है काफी मुश्किलें हो रही हैं, लोग जो है घर से नहीं निकल रहे हैं। और इस तरह से आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं, मैं थोड़ी से सब आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में। मैं आप देखिए ये घना कोहरा जो है पूरा कहा जाए कि कहीं भी कुछ भी मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा, पूरा का पूरा जो है वो धुंध जो है यहाँ पे है, और कुछ भी मतलब कहा जाए विजुअलिटी जो है 10 मीटर तक भी जो है वो नहीं है कि आदमी जो है कुछ उसमें देख सके, कुछ भी यहाँ पे दिखाई दूर दूर तक आप देख सकते हैं चारों तरफ में कुछ भी जो है नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कि लगातार जो है ट्रेनें जो है इस कारण जो है लेट हो रही है,
है, कुछ ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया है। वहीं जो है अगर कहा जाए तो इसका जो है हवाई असर भी पड़ा है, जिसको लेकर के हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी आए थे, और वाराणसी के बाद जब उन्होंने उनको लखनऊ जब जाना था, लखनऊ में जैसे ही वो फ्लाइट पर बैठे हैं उसके बाद जो है कहा जाए तो 300 मीटर के होता है, 900 मीटर उसमें हवाई जहाज में होता है कि उसकी दृष्टता होनी चाहिए, लेकिन 300 मीटर भी नहीं थी, जिसके कारण जो है उनको भी वापस आना पड़ा। और इस कारण जो है कहा जाए तो कोहरे और ठंड ने काफी लोगों को परेशान कर रखा है। जी रवीश जी, मदन आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए दिल्ली से, सीधा हम अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, आज घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है, घना कोहरा, लो विजिबिलिटी किस तरीके से परेशानी में इजाफा कर रहा है लोगों की? बिल्कुल रवीश, देखिए आज का जो कोहरा है वो शायद इस सीजन का सबसे भयंकर कोहरा अगर कहें तो शायद वो होगा, क्योंकि विजिबिलिटी के नाम पे बिल्कुल कहें तो शून्य है। विजिबिलिटी इस तरीके की है, चंद कदम की दूरी देख पाना बहुत मुश्किल है। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से भी ये कहूंगा कि वो जरा सा रोल करके कैमरे को दिखाए कि किस तरीके की स्थिति है, पास का नजारा देख पाना बहुत मुश्किल है, पास में पेड़ हो, रास्ता हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्थिति है नोएडा की, मैं इस वक्त नोएडा में सेक्टर 16 में खड़ा हूं, और यहाँ की स्थिति इस तरीके की है रवीश कि आस पास देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पास की अगर मैं बिल्डिंग्स भी दिखाऊं तो आप देखें, जस्ट यहाँ एक बिल्डिंग है लेकिन वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। ये स्थिति है, और इसकी वजह से जो है लोगों की दिनचर्या जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। समय 7:00 के करीब 6 मिनट होने जा रहे हैं, और अभी की स्थिति आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो अंधेरा हो, रात का वक्त हो। यह स्थिति है नोएडा की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रवीश की क्या हाल होगा उन लोगों के लिए। तापमान में भी जो है काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो वहां तो तापमान 2 डिग्री से भी नीचे चला गया है। तो यह स्थिति है नोएडा की। जी, और अभिषेक सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि विजिबिलिटी भी कोहरे की वजह से बहुत लो हो गई है, लोगों को पार्किंग इंडिकेटर्स जो है उनको ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज मंडे है, वर्किंग डे है, ऐसे में जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भी अगर निकलना पड़ रहा है तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है, खास करके जैसा आपने बताया कि सड़कों पे चलते वक्त इस समय ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमने देखा है कि कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा हादसे सामने आए हैं, खास करके मैदानी इलाकों में जहां कोहरा सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि सड़कों पे चलते वक्त ध्यान रखें, खास करके इंडिकेटर्स जो हैं उसे ऑन करके ही सड़कों पे चलें, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है, और स्पीड तो बिल्कुल नहीं। कभी हमने देखा है कि इस स्थिति में भी लोग जो हैं वो स्पीड पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो खास करके ऐसे समय में स्पीड पे कंट्रोल रखें। एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा सा तस्वीर दिखाएं, क्योंकि देखने लायक अगर कुछ है रवीश तो वो तस्वीरें ही हैं जो ये बता रही हैं कि क्या हाल है। हम देख सकते हैं यहाँ पे काफी घना कोहरा लगा हुआ है, फॉग लगा हुआ है, विजिबिलिटी भी काफी लो गई। मदन के पास चलते हैं, मदन के पास कुछ लोग भी वहां पर आ गए। मदन आपके साथ जो लोग खड़े हैं जरा उनसे जानने की कोशिश करिए कि इतना ज्यादा फॉग लगा हुआ है, घर से बाहर निकलने का साहस कैसे जुटाया उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल रमेश, मैं जानने का चाहूंगा, ये युवा है सुबह सुबह जो है जॉगिंग के लिए निकले हैं, ये बताइए कि इतना ज्यादा कोहरा है, ठंड है, कैसे आप लोग निकले घर से? कोई नहीं, पापा बोले कि ठंडी में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते थे इसलिए निकले हैं अभी, लेकिन ठंडी ज्यादा पड़ रही है, तो स्कूल खुले थे तो वो भी बंद हो गए कल से, इसलिए थोड़ा समय मिल गया तो इसलिए फैमिली के लिए निकल गए। तो बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए तो इनके इन्होंने कहा कि हम सुबह सुबह रोज निकलते हैं, पापा इनके पापा ने कहा है कि ठंड में जो है निकलने से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जॉगिंग करना है, जॉगिंग करने से शरीर जो है गर्म होता है और इससे जो है कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से अगर कहा जाए कि अगर विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप को मैंने बताया कि 10 मीटर तक की दूरी जो है नहीं देखी जा रही, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से। चलिए मदन आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ठंड की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, बहुत भयंकर तरीके से यातायात जो है प्रभावित हुआ है कोहरे की वजह से। 400 ट्रेनें लेट हैं, 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो ठंड की वजह से, लो विजिबिलिटी की वजह से, कोहरे की वजह से ट्रेन लेट है। अभिषेक का रुख करेंगे सीधे, अभिषेक ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से 400 ट्रेनें लेट और 30 रद्द भी कर दी गई है। बिल्कुल रविश, देखिए सिर्फ ट्रेनों पर ही इसका असर नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से फ्लाइट्स पे भी असर पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से कई सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो डिले हैं,
कुछ को कैंसिल करना पड़ रहा है। दिल्ली स्टेशन से अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रद्द करनी पड़ रही हैं, लेट हो रही हैं, खास करके अगर दिल्ली कोलकाता रूट की बात कर ली जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं। और इस ठंड में अब देखिए 7:10 होने जा रहा है रवीश, और इस समय एकमात्र सहारा अगर कुछ होता है तो ये अलाव होता है। बहुत मुश्किल होता है दिल्ली एनसीआर और नोएडा वगैरह में, आपको इस तरीके से अलाव अगर मिल जाता है तो इस ठंड में इससे बेहतर शायद ही कुछ होगा। यहाँ कुछ लोग हैं जो कि अलाव भी देख रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ठंड ने उन्हें किस तरीके से परेशान कर रखा है। बाबा ये बताइएगा, ठंड कैसे परेशान कर रहा है इस बार? तो सर इस बार अच्छी पड़ रही है, विशेष ठंड पड़ रही है, ठंड से बेहाल है लोगों का। तो एकमात्र सहारा ये एकमात्र सहारा ये आग का है, अलाव जलाए बैठे हुए हम लोग। ठंड कैसे परेशान कर रहा है इस बार? दादा ठंड से बहुत परेशानी है, आग के थोड़ा सा सहारा ले। ठीक है तो रवीश आप देखिए, एकमात्र सहारा अगर कुछ है तो वो अलाव है, और ऐसे एरिया जहां नोएडा और एनसीआर में अगर आप रहते हैं, यहां पे अगर आपको अलाव मिल जाए तो इससे बेहतर शायद ही कुछ होता है। रवीश चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी मदन भी जुड़े हुए थे वाराणसी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि इस तरीके से जो ठंड का प्रकोप है वो हावी होता जा रहा है, लोगों की परेशानी को भी बढ़ा रहा है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। इंदौर से खबर है, 3 दिवसीय 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में आपको बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में शामिल होंगे, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी इसमें शामिल होंगे। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी इसमें शामिल होंगे। 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीय कर रहे हैं शिरकत। दोनों राष्ट्राध्यक्ष के भाषण के बाद विशेष डाक टिकट का अनावरण भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, सूरीनाम के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो भी शामिल होंगे, गयाना के हेड ऑफ द स्टेट शामिल होंगे, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी वो शामिल होंगे, गयाना की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, आईटी चीफ की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड पर FIR हुआ था, जिसकी वजह से डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का भी आरोप है, ऋचा राजपूत पर एक्शन को लेकर भी सपा का यह प्रोटेस्ट है। तो आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, आईटी चीफ की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन है, बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड पर FIR हुई है, डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है, ऋचा राजपूत पर एक्शन को लेकर भी सपा का प्रोटेस्ट है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है, उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है, यात्रा समाज में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ है, देश की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी अक्सर ये कहते रहे कि देश की जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है, नफरत के खिलाफ उनकी यात्रा है। जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है, और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है, वो है
कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कल सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। 7 विधायक शामिल किए गए। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य भी मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह मंत्री बने। चंद्र कुमार, धनीराम शांडिल भी मंत्री बनाए गए। हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है। शिमला जिले से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। कांगड़ा, किन्नौर, सोलन, सिरमौर से 1-1 विधायक मंत्री बना। तो कल सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। विक्रमादित्य सिंह, जो कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे कोलकाता से। आज से कोलकाता में G20 की पहली बैठक है। न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता में G20 की पहली बैठक। न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी। 11 जनवरी तक G20 की पहली बैठक चलेगी। 19 देशों के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। डिजिटल वित्तीय समावेशन SME वित्त उपलब्धता पर मंथन भी होगा। G20 के प्रतिनिधियों को पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से कोलकाता में G20 की पहली बैठक है। 11 जनवरी तक G20 की पहली बैठक चलेगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, NDMA की टीम आज जाएगी जोशीमठ, मौजूदा हालात का जायजा लेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से, जहां घरों में दरारें आ गई हैं, सड़कों में दरारें आ गई, क्रैक्स आ गए, वहां बता रहे हैं आपको NDMA की टीम आज जाएगी, मौजूदा हालात का जायजा लेगी। NDMA की टीम जोशीमठ, भूस्खलन पर PMO में हाई लेवल बैठक भी है। PM के मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल हुए। चमोली के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जोशीमठ को भूस्खलन क्षेत्र घोषित किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। जोशीमठ संकट पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। जोशीमठ में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई थी। सीएम धामी ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है पुष्कर सिंह धामी की। भारत में ठंड है, कोहरा है, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जो इस वक्त कुरुक्षेत्र में है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुंध है, कोहरा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो कि विपक्षी लगातार तंज कस रहे राहुल गांधी, अभी भी टी शर्ट में आपको राहुल गांधी नजर आएंगे, और उनका कहना है कि जब तक ठंड बढ़ेगी नहीं, टी शर्ट वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा का अहम पड़ाव कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के। और कुरुक्षेत्र जो है एक ऐतिहासिक नगरी रही है महाभारत काल से, ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है, शीतलहर है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है, आज विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल पड़ी है। ये आप देख सकते हैं, राहुल गांधी ने कल भारत जोड़ो यात्रा में कहा था ये यात्रा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ है। राहुल गांधी का कहना था कि इनकी तपस्या है, ये भारत जोड़ो यात्रा तपस्या है उनके लिए, बड़े शब्द का उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही साथ राहुल गांधी का ये भी कहना था कि नफरत को मिटाने के लिए ये, और जैसा कि हमने आपको सुनवाया अभी था, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस की गवर्नेंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की गई हो, खाई पैदा करने की कोशिश की गई हो, कांग्रेस ने हमेशा दिलों को जोड़ा है। तो नफरत के खिलाफ है ये। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।